हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सॉरी एवरीवन, मुझे पता है कि आप लोगों को इस पार्ट का बेसब्री से इंतज़ार था, पर मैं क्या करूं, अचानक से मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी। आपको मेरी आवाज़ से ही पता चल रहा होगा, तो प्लीज़ आप लोग नाराज़ मत होना। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वेइंग को काफ़ी तकलीफ़ हुई थी जब उसने वांग जी को स्टेज पर पियानो बजाते हुए देखा था। वांग जी और वेइंग आज भी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, पर जिन गुआंग्याओ ने उनके बीच में गलत फहमियों को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था। सैटरडे का दिन था, सुबह सुबह न्यू हेसांग का वांग जी के पास मैसेज आया। वांग जी सोचता है कि न्यू हेसांग को उसका नंबर कैसे मिला। न्यू हेसांग ने वांग जी को लंच पर इन्वाइट किया था क्योंकि उसे कुछ बात करनी थी। वांग जी पहले थोड़ा सा हेजिटेट करता है, पर न्यू हेसांग से कहता है कि ठीक है, मैं तुमसे ज़रूर मिलूँगा। वांग जी फाइनली उससे मिलने के लिए तैयार हो गया। वो 5 मिनट पहले रेस्टोरेंट पहुँच गया, पर न्यू हेसांग वहाँ ऑलरेडी मौजूद था। न्यू हेसांग कहता है कि वांग जी थैंक यू यहाँ आने के लिए। वो कहता है कि वांग जी क्या तुमने कल का कॉन्सर्ट इन्जॉय किया था। वांग जी कहता है कि हाँ, पर वो झूठ था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि न्यू हेसांग को पता चले कि वांग जी किस तकलीफ़ से गुज़र रहा है। न्यू हेसांग कहता है वांग जी तुम्हारी कंपनी भी काफ़ी अच्छी थी ना। वांग जी सोचता है कि क्या वो वेइंग के बारे में बात कर रहा है। न्यू हेसांग वांग जी की हिचकिचाहट को समझ चुका था। वो कहता है कि वांग जी कोई तुम्हें वो चांस ऑफ़र कर रहा है जो तुम्हारे लिए एक सपना सच होते हुए के बराबर है ना। वांग जी न्यू हेसांग से कहता है क्या तुम जिन गुआंग्याओ के बारे में बात कर रहे हो। वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो न्यू हेसांग से क्या कहे, पर वो सीधे सीधे जवाब दे देता है कि मैं ये नहीं कह सकता कि सच में मैंने जिन गुआंग्याओ की कंपनी को एंजॉय किया या नहीं। न्यू हेसांग कहता है कि वांग जी क्या तुम सच में उसका ऑफ़र एक्सेप्ट कर लोगे। वांग जी कहता है कि नहीं। वो गुस्से में कहता है कि वांग जी मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम उसका ऑफ़र कभी एक्सेप्ट नहीं करोगे। वांग जी कहता है कि मैं उसका ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं करूँगा, पर इसमें प्रॉमिस करने की बात कहाँ से आ गई। न्यू हेसांग कहता है कि वांग जी शायद तुमने सुना होगा कि मेरा भाई और जिन गुआंग्याओ के कॉन्टैक्ट में नहीं है। वांग जी कहता है कि हाँ मैंने सुना है, और मेरे भाई का भी अब उससे कोई कॉन्टैक्ट नहीं है पिछले 2 सालों से। न्यू हेसांग वांग जी से कहता है कि उनके भाइयों ने ये डिसाइड किया था कि वो जिन गुआंग्याओ से कोई कॉन्टैक्ट नहीं रखेंगे। वांग जी कहता है कि लान शिचेन ने कभी खुलकर उसे कुछ नहीं बताया, और अगर कभी उसने कुछ पूछना भी चाहा तो लान शिचेन को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती थी। न्यू हेसांग वांग जी से कहता है कि लान शिचेन बहुत तकलीफ़ से गुजर रहा है। वांग जी बड़ा परेशान हो जाता है ये सुनकर। न्यू हेसांग कहता है कि मैं कभी नहीं चाहता कि जिन गुआंग्याओ सक्सेसफुल हो। वो वांग जी से कहता है कि क्या तुम्हें कई साल पहले शिंगहे में जो ऑक्शन हुआ था वो याद है, जहां आग लग गई थी जिसमें काफ़ी नुकसान हुआ था और न्यू हेसांग के फादर के द्वारा बनाए गए कई प्राचीन हथियार भी नष्ट हो गए थे। जिन गुआंग्याओ यूनिवर्सिटी के बाद अपने फादर के इतना फेवर में नहीं था जितना कि वो अब है। वो उससे बताता है कि उसके भाई निय मेंगजुए ने जिन गुआंग्याओ को एज अ क्यूरेटर जॉब दी थी। जिन गुआंग्याओ शोरूम का मेन क्यूरेटर था। वांग जी कहता है क्या इसका मतलब वो आग जिन गुआंग्याओ ने लगाई थी। निय वैसांग कहता है कि जिन गुआंग्याओ की आदत नहीं है खुद को किसी प्रॉब्लम में डालने की, पर उसका इस सब से कुछ ना कुछ ज़रूर कनेक्शन है। निय वैसांग कहता है कि जिन गुआंग्याओ ने हमारे सारे शोरूम्स जिन गुआंगशान को बेच दिए, हम सिर्फ एक छोटा शोरूम ही अपने लिए बचा पाए जहां अभी हम काम करते हैं। वांग जी कहता है न्यू हेसांग क्या तुम्हें पूरा यकीन है। तो वो कहता है हाँ मुझे पूरा यकीन है इस बात पर। न्यू मेंगजुए ने तो जिन गुआंग्याओ को मार ही दिया था अगर लान शिचेन उसे बचा न लेता। वांग जी को हल्का हल्का याद आता है कि गर्मियों के टाइम में लान शिचेन शिंगहे आया था, पर वो गुसू नहीं गया। निय मेंगजुए और लान शिचेन को इसी बात से लड़ाई भी हो गई थी। वो कहता है कि मैं ये सब कभी नहीं भूल सकता। निय वैसांग कहता है वांग जी बस तुम्हें आगाह करना चाहता हूँ मैं कि जिन गुआंग्याओ एक अच्छा पर्सन नहीं है, वो सिर्फ अपने बारे में ही सोचता है। वो कहता है कि जिन गुआंग्याओ लान शिचेन से काफ़ी इन्फेचुएटेड है, जिसे वो प्यार समझता है,
वांगजी को अचानक से अपने फेस पर जिन गुआंग्याओ की फिंगर्स का टच याद आ जाता है। निय वैसांग कहता है कि वांगजी, जिन गुआंग्याओ तुम्हें अपने प्लान में इसलिए शामिल करना चाहता है ताकि वो तुम्हारे भाई की लाइफ में वापस आ सके, और मुझे नहीं लगता कि तुम ऐसा चाहोगे। वांगजी कहता है कि नहीं, कभी नहीं। वांगजी के दिल दिमाग में निय वैसांग की बातें गूंज रही थी। मंडे का दिन था। वेन शिंग और वे वुशियान टीचर्स लाउंज में पहले ही पहुंच चुके थे। वांग जी भी वहां पहुंच गया। वेन शिंग कहती है कि कॉन्सर्ट कैसा था। वेंग कोई जवाब नहीं देता, पर वांग जी कहता है कि हाँ ठीक था। वो कहता है कि वांग जी तुम थोड़ा जल्दी आ गए, मैंने अभी रिपोर्ट नहीं तैयार की है, लेकिन अगर तुम मुझे थोड़ा टाइम दोगे तो मैं रिपोर्ट तैयार कर लूँगी। वांग जी कहता है कि ओके। फिर वेन शिंग रिपोर्ट तैयार करने लगती है, तभी वो वांग जी को वेनिंग और लियो शिंगयांग की फ़ोटो दिखाती है। वो कहती है कि वांग जी कि दोनों काफ़ी खुश लग रहे हैं ना। वांग जी कहता है कि हाँ दोनों काफ़ी खुश लग रहे हैं। वो कहता है कि वेन शिंग सब ठीक तो है ना। वेन शिंग कहती है कि हाँ हाँ, बस मुझे आ शिंग की याद आ रही है, वेनिंग उससे बहुत प्यार करता था। वेन शिंग कहती है कि वांग जी मुझे गलत मत समझना, मैं भी वेनिंग को खुश देखना चाहती हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि वेनिंग आशिंग को भूल गया है। लेकिन उसी जगह आशिंग वेनिंग को इतनी जल्दी कभी नहीं भूलती, वो बहुत लॉयल थी। पर अच्छी बात है कि वेनिंग अपनी लाइफ में मूव ऑन कर रहा है। वांग जी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस सब पर क्या कहे, तभी वेनशिंग कहती है कि शायद मेंस जल्दी भूल जाते हैं। वांग जी कहता है कि नहीं, मैं ये नहीं मानता। वेनशिंग कहती है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है। वांग जी कहता है कि इस चीज़ की सबसे कम उम्मीद है। वेनशिंग कहती है कि प्यार के मामले में शायद मैं ज़्यादा अच्छी नहीं हूँ, इसीलिए मुझे सब समझ में नहीं आ रहा है। वांग जी कहता है कि शायद हम अपने प्यार को एक्सप्रेस नहीं कर पाते, इसीलिए ये सब होता है। सच्चा प्यार तो वो है जो उम्मीद खत्म होने के बाद भी कभी खत्म ना हो। प्रिंटर पर काम कर रहे वे वुशियान के हाथों से पेपर्स गिर जाते हैं। ये सुनते ही वेन शिंग कहती है वे वुशियान तुम ठीक तो हो ना। वे इंग कोई रिप्लाई नहीं देता, पर वो गुस्सा ज़रूर हो रहा था किसी बात से। वेन शिंग कहती है कि वांग जी मुझे लगता है कि तुम कभी भूल नहीं सकते किसी चीज़ को। वांग जी कहता है कि नहीं, कभी नहीं। अचानक से उसे खालीपन सा महसूस होने लगा था। वेन शिंग कहती है कि वांग जी लगता है कि तुम्हारे पास भी कुछ याद करने के लिए है जो तुम भूल नहीं सके आज तक। वांग जी कहता है हाँ, पर अब सब उम्मीद से आगे टाइम बीत चुका है। वांग जी बहुत तकलीफ़ में था। वो कहता है कि अब काफ़ी देर हो चुकी है मेरे लिए इस सब के लिए। तभी उसका ध्यान प्रिंटर की आवाज़ की तरफ जाता है, जहाँ वे वुशियान अभी भी खड़ा था। वे इंग सारे पेपर्स को इकट्ठा करके फोल्डर में रखता है और अजीब ढंग से वांग जी के सीने पर मारकर चला जाता है। उसकी आंखें काफ़ी डार्क सी लग रही थी और वो गुस्से में भी था। वांग जी फोल्डर को लेकर वहाँ से चला जाता है। वो जल्दी जल्दी अपने ऑफिस की तरफ बढ़ रहा था। वो सोचता है कि आखिरकार उसने ये सब कहा ही क्यों। वो अपने रूम में एंटर करता है और चेयर पर बैठकर फोल्डर को ओपन करता है। उसे ओपन करते ही वांग जी को येलो कलर का एक स्टिकी नोट दिखाई देता है, जिसमें वेंग ने कुछ लिखा हुआ था। उसमें लिखा था, क्या सच में बहुत देर हो गई है वांग जी। वांग जी बिल्कुल शांत हो जाता है, जैसे कि उसका दिमाग काम करना बंद कर दिया हो। तभी अचानक से उसकी पूरी बॉडी हॉट हो जाती है, जैसे लगा उसका दिल उसके गले में आ गया हो। वांग जी किसी तरह खुद को संभालता है और अपने पैरों पर खड़ा होता है। वो रूम की तरफ बढ़ रहा था। वो टीचर्स लाउंज की तरफ जाने के लिए सोचता है, लेकिन जैसे ही वो दरवाज़ा खोलता है, उसे अपने सामने वे वुशियान खड़ा दिखाई देता है। न जाने कितनी देर वो दोनों वहाँ खड़े रहते हैं। वांग जी और वेंग दोनों फ्रीज थे और अपनी अपनी जगह पर थे। दोनों एक दूसरे को ही देखे जा रहे थे। तभी वेंग रूम के अंदर चला जाता है। वो वांग जी के डेस्क के इधर उधर घूमता जा रहा था, जब तक वांग जी ने रूम का दरवाज़ा नहीं बंद कर दिया। वेंग वांग जी की ओर घूमता है। ऐसा लग रहा था जैसे वेंग की सांसें काफ़ी हैवी हो गई हों। वेंग कहता है, वांग जी अब मैं और ये सब नहीं कर सकता, मैं नहीं चुप रह सकता। वांग जी बोलो ना, अभी भी देर नहीं हुई है ना, बोलो ना वांग जी, 12 साल बहुत ज़्यादा लेट तो नहीं हो गया ना, मैं अभी भी उम्मीद रखता हूँ। ये कहते कहते वेंग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था। वो अपनी मुट्ठी को कसकर बांध लेता है। वेंग कहता है, लांचा मुझे पता है कि मैं बहुत बुरा हूँ, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, मैं तुमसे बहुत गुस्सा था, लेकिन लजा मेरा प्यार कभी भी ख़त्म नहीं हुआ तुम्हारे लिए।
मैंने तुम्हारे अलावा कभी किसी को प्यार नहीं किया वांग जी, हमेशा से तुम ही थे और हमेशा तुम ही रहोगे। वांग जी चुपचाप खड़ा था। उसका दिल का वो दर्द, वो घाव फिर ताज़ा हो गया था। वो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था, ना सांस ले पा रहा था। वेंग वांग जी के थोड़ा नज़दीक जाता है और कहता है, वांग जी तुमने मेरी आत्मा को छू लिया है। वांग जी सुनते ही टूट गया। वेंग उसे कसकर अपनी बाहों में थाम लेता है। वांग जी ने अपना सर वेंग के गले के पास छुपा लिया था। वो कहता है कि वेंग वेंग, हाँ वांग जी मैं यही हूँ। वांग जी वेंग की बाहों में अपने आंसुओं को बहने देता है। इतने सालों का दर्द तकलीफ जो वांग जी के दिल में था, वो सब आज अपने आंसुओं में बह जाने देना चाहता था। वो उसका वेंग उसके पास ही था। वेंग अपना फोरहेड वांग जी के फोरहेड से लगा लेता है। वो कहता है, ओह लजा मेरे लजा, तुम आज भी चीज़ों को इतना गहराई से फील करते हो। वांग जी के आंसू अभी भी थम नहीं रहे थे। वेंग अपने हाथ से वांग जी के गाल को टच करता है। वांग जी धीरे से कहता है, वेंग तुम मुझसे प्यार करते हो? वेंग कहता है, हाँ। वांग जी दोबारा से कहता है, वेंग तुम मुझसे प्यार करते हो? वेंग कहता है, हाँ हाँ वांग जी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैंने हमेशा तुमसे ही प्यार किया है। वांग जी अपनी आंखों को बंद करता है और कहता है, वेंग फिर अभी ज़्यादा लेट नहीं हुआ है। ये सुनते ही वेंग की जान में जान आ जाती है। वो कहता है, वांग जी मेरी ओर देखो। वांग जी वेंग की ओर देखने लगता है। वेंग कहता है, वांग जी क्या मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ? वांग जी अपना सिर हाँ में हिलाता है। ये सुनते ही वेंग वांग जी को किस करने लगता है। वो अपने माउथ से वेंग वांग जी के माउथ को ओपन करने लगता है। वेंग की टंग वांग जी की टंग के साथ रोल हो रही थी। वो वांग जी को अपने और नज़दीक खींच लेता है और उसे किस करने लगता है। दोनों की बॉडी काफ़ी हॉट हो गई थी। वांग जी कसकर वेंग की कमर को पकड़ लेता है। वो 12 साल की दूरी, वो अकेलापन, वो सब उस किस में बदल देना चाहता था। वो वेंग अपने हाथों से वांग जी के बालों को पकड़ लेता है और उसे डीपली किस करने लगता है। वो वांग जी के सर को थोड़ा पीछे की ओर झुका देता है ताकि वो उसे और अच्छे से किस कर सके। वेंग अपने हाथों से वांग जी की गर्दन को पकड़ लेता है। तभी वो वांग जी के लिप्स से हटकर पहले उसके माथे पर एक किस करता है, फिर उसके कान पर किस करता है। वो वांग जी और अपने गालों को आपस में रब करने लगता है। वांग जी अपना सिर वेंग के कंधे पर रख लेता है। वेंग धीरे से कहता है, वांग जी मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई एम सो सॉरी, क्या तुम मुझे कभी माफ़ कर पाओगे? वांग जी अपना सर उठाता है और वेंग की ओर देखने लगता है, जो कि काफ़ी दुखी लग रहा था। वांग जी कहता है कि वेंग ये तो मुझे तुमसे कहना चाहिए। वेंग ना में अपना सर हिलाता है और कहता है कि वांग जी मैं बहुत गुस्सा था तुमसे, मैंने तुम्हें गलत समझा, मैंने तुम्हें ऐसे ट्रीट किया जैसे कि सिर्फ मुझे ही तकलीफ़ हो रही थी। वांग जी ये सुनते ही कहता है कि नहीं वेंग, मैंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, मैं कमज़ोर था, मैंने हमारे लिए तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं लिया। वेंग ये सुनते ही कहता है, ओह लांजा हम बच्चे थे, तुम उस टाइम कर भी क्या सकते थे? वेंग कहता है कि मेरा दिल टूटा था, पर वांग जी तुम भी तो कितना डरे हुए होगे ना, उन्होंने तुम्हें अकेला ही भेज दिया और मैंने कभी कोशिश भी नहीं की कि मैं तुम्हें लेटर लिखूं। वांग जी मैं तुम्हें कॉल कर सकता था ना, पर मैंने नहीं किया। मैं तुमसे मिलने भी आ सकता था, पर मैंने तुम्हें दूर कर दिया जब तुम्हें किसी अपने की ज़रूरत थी। वेंग कहता है, वांग जी मैंने तुमसे कहा था कि तुम चले जाओ मेरे लाइफ से दूर, तुम कितना अकेले हो गए होगे ना। ये सब सुनकर वांग जी की आंख से दोबारा आंसू बहने लगे। वो सच में बहुत अकेला हो गया था। वो कहता है, वेंग पर मैंने तुम्हें हर्ट किया, मैंने तुम्हारा साथ छोड़ दिया था। वेंग कहता है कि वांग जी तुम्हारे भाई ने निये मिंगजुए को बताया था और उससे न्यू हैसांग ने बातें पता कर ली और उसने उस दिन मुझे कॉन्सर्ट में सब बता दिया था कि तुमने अपनी फैमिली के लिए सब किया। लेकिन वांग जी तुम्हारे अंकल तुम्हारे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? वो कहता है कि वांग जी अगर मुझे पहले ही ये सब पता चल गया होता तो मैं कभी तुम्हें ब्लेम नहीं करता। वो वांग जी के आंसुओं को पोंछता है और कहता है कि वांग जी, वो कहता है कि जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से मैं सिर्फ अपने दिमाग की सुन रहा हूँ और मुझे लगता था कि तुमने मेरे साथ गलत किया है। वांग जी
वांग जी मैं कितना बेवकूफ़ हूँ ना। वो कहता है कि वांग जी मियान मियान के साथ वो सब सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन था मेरे लिए, जबकि मैं तो सिर्फ तुम्हें ही चाहता था। वांग जी जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तभी मुझे खुद को तुम्हारे पास वापस ले आना चाहिए था, पर मेरी ईगो मुझे ये अलाउ नहीं कर रही थी। वांग जी वेंग से कहता है कि तुम कैसे करते ये सब, तुमने ही तो कहा था ना कि मैं डल हो गया हूँ और तुम सही थे। वेंग वे वुशियन ये सुनते ही वे वुशियन का हार्ट पेन से भर जाता है। वो कहता है कि वांग जी तुमने वो सब सुन लिया था क्या। वो कहता है कि वांग जी आई एम सो सॉरी, वो सब सच नहीं था, मैंने कभी नहीं सोचा ये सब। अगर मैं पुरानी बातों को ही ना दिल में लिए बैठा होता तो ये सब कभी नहीं होता। वांग जी तुम कितना दुखी थे। वेंग हल्के से वांग जी के गाल पर किस कर लेता है। वांग जी अपनी आंखें बंद करता है और वेंग की पीठ पर अपना हाथ फेरने लगता है और कहता है कि नहीं वेंग ऐसा नहीं है। वेंग कहता है कि मेरे वांग जी मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मुझे नफ़रत है क्योंकि तुम दुखी हो मेरी वजह से, मेरे ब्यूटीफुल शाइनिंग लज्जा। ये कहते ही वेंग वांग जी का चेहरा अपने हाथ से पकड़ लेता है और उसके लिप्स पर दोबारा किस करने लगता है और कहता है कि वांग जी मुझे सिर्फ तुम चाहिए। वेंग दोबारा से रिपीट करता है कि वांग जी मुझे सिर्फ और सिर्फ तुम चाहिए। जब से गाला हुआ है तब से मेरे ऊपर टॉर्चर ही टॉर्चर हो रहा है। वो कहता है कि वांग जी जब भी मैं तुम्हारे नज़दीक आता तभी वो जिन गुआंग्याओ तुम्हारा सारा टेंशन ले लेता था और मुझे लगा कि मैं इस बार सच में तुम्हें खो दूंगा। वांग जी ये सुनते ही चौंक गया। वेंग कहता है कि वांग जी मुझे लगा तुम लंदन चले जाओगे। वो काफ़ी दुखी था। वो कहता है कि वांग जी मुझे लगा तुम इस चांस को नहीं खोना चाहोगे और तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे। वांग जी कहता है कि नहीं कभी नहीं, जिन गुआंग्याओ के लिए तो मैं कभी नहीं जाता क्योंकि मेरी फीलिंग ये कभी अलाउ ही नहीं करती। उससे न्यू एसांग की बातें याद आ गई थी। वेंग कहता है कि वांग जी कॉन्सर्ट में मुझे इतना ज़्यादा जेलस फील हो रहा था जैसे लगा कि मैं बीमार हो जाऊँगा। ये सुनते ही वांग जी को थोड़ा रिलीफ फील होता है। वो कहता है कि वेंग मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि तुम ही हो वो पर्सन जो मुझे अपनी लाइफ में चाहिए। वो कहता है कि वेंग तुम मेरे लिए सब कुछ थे हो और रहोगे। इस बार वेंग रोने लगा। वांग जी कहता है वेंग मेरा दिल तुम्हारा है 12 साल पहले जो था उससे भी ज़्यादा। वो वेंग का चेहरा पकड़ता है और कहता है कि अभी भी अगर तुम्हें ये चाहिए तो इसे वापस ले लो। कि सुनते ही वेंग की आंखों से और ज़्यादा आंसू बहने लगे। वेंग कहता है वांग जी प्लीज़ ऐसा मत कहा करो, मेरा दिल ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वो अपने हाथ से वांग जी के दोनों कलाई को पकड़ लेता है फिर वो दोनों दोबारा से किस करने लगते हैं। सो गाइस आज का पार्ट यहीं पे ख़त्म होता है। आप मुझे बताना ज़रूर कि कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। वैसे नेक्स्ट वीडियो इस FF का काफ़ी हॉट या कह लीजिए सब अब तक का सबसे हॉटेस्ट पार्ट होने वाला है। तो टिल देन आप लोग वेट करो, मैं जल्दी नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊँगी। अपना अपना ख्याल रखना और बाय बाय।